वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले ये हमारा लेक्चर 6 है। पिछले वीडियो में टॉप मेथड और इसके रिलेटेड एग्जांपल के बारे में मैंने बताया था। इस वीडियो में मैं टॉप मेथड से एग्जांपल सॉल्व करूंगा, जो गेट में पूछे गए हैं वो एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं एनर्जी मेथड के बारे में आपको बताऊंगा, और इसके बाद जो भी गेट के क्वेश्चन है अभी तक जो भी पूछे गए हैं वाइब्रेशन में, वो हम एनर्जी मेथड एज वेल एज टॉर्क मेथड दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमें गेट 2020 में पूछा गया। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, देख लो। मान लो कि एक रोड है जो मासलेस रोड है, ओके। ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक स्प्रिंग अटैच किया है जिसका स्टिफनेस है 2K, ये हमारा ए पॉइंट है। हम टॉर्क मेथड से फाइंड करेंगे अभी, और ये जो डिस्टेंस है मीन्स इसका जो सेंटर है ये पुल्ली है, मान लो कि पुल्ली है, डिस्क है, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस एल बाई टू है, और ये वाला जो भी डिस्टेंस है हमारा वो भी एल बाई टू है। ये वाला डिस्टेंस इतना एल बाई टू है और इतना एल बाई टू डिस्टेंस, और ये जो डिस्क है जिसका मास है कैपिटल एम, और जो हमारी रेडियस है डिस्क की, इसकी रेडियस है एल बाई फोर, कैपिटल एल बाई फोर, ये उसकी रेडियस है। अब दूसरी बात कि ये जो डिस्क है इसको यहां से अटैच किया है एक स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस है, मान लो कि ये स्प्रिंग है और जिसकी स्टिफनेस है के, और दूसरी साइड इसको अटैच किया है, इसको अटैच किया है एक ई इलास्टिक स्ट्रिंग से। ये है, ये हमारी ई इलास्टिक स्ट्रिंग है। इलास्टिक स्ट्रिंग मींस वो डेफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो डेफ्लेक्ट नहीं करेगी। अब इस पॉइंट के अबाउट हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है डिस्क की। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं इसमें ये जो हमारा रोड है, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेफ्लेक्शन करूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप सोचो ऐसा हो सकता है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये मान लो कि थीटा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने डेफ्लेक्ट किया, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा मास जो हमारा इनर्शिया टॉर्क होगा वो होगा आई थीटा डबल। अब सबसे पहले तो ये जो हमारी स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का डेफ्लेक्शन कितना होगा, तो डेफ्लेक्शन होगा L by 2 into theta। अगर मुझे स्प्रिंग फोर्स, ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो मुझे फाइंड करना है, तो डेफ्लेक्शन into स्टिफनेस 2K, तो ये जो स्प्रिंग है इसमें इतना स्प्रिंग फोर्स लगेगा, कितना डिस्टेंस पे लगेगा, L by 2 डिस्टेंस से, A से L by 2 डिस्टेंस है, ये स्प्रिंग का ये स्प्रिंग फोर्स हुआ। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं डेफ्लेक्शन करूं थीटा से, तो ये स्प्रिंग का डेफ्लेक्शन आप एल थीटा ले लोगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर यहाँ पे देखो, मान लो कि ये हमारा ये इनइलास्टिक स्ट्रिंग है और ये हमारी पुल्ली है या डिस्क है, अगर मैं डेफ्लेक्शन करूं फाइनली इसकी फाइनल पोजीशन, मान लो कि ये इसकी फाइनल पोजीशन, तो ये पॉइंट आप ऐसे एक्सटेंड करते हो, ये जो स्प्रिंग वाला पॉइंट है वो मान लो कि ये ए और ये ए डैश, ये बी पॉइंट और ये बी डैश, आप ऐसे सोचोगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेफ्लेक्शन करता हूँ तो ये स्ट्रिंग तो इनइलास्टिक है, तो ये तो एक्सटेंड नहीं होगी। तो एक्सटेंड क्या होगा, तो ये जो स्प्रिंग है, मान लो कि आप क्या सोचोगे कि एल थीटा हो जाएगा, कि एंगल थीटा है, लेंथ एल है, तो ये डेफ्लेक्शन एल थीटा होगा स्प्रिंग का। नहीं, एल थीटा नहीं होगा, ये जो डेफ्लेक्शन है वो 2L थीटा होगा। क्यों 2 हुआ, क्योंकि ये जो इनइलास्टिक स्प्रिंग है इसमें कोई डेफ्लेक्शन नहीं होगा, तो इसका डेफ्लेक्शन हम स्प्रिंग में ऐड कर देंगे। तो L थीटा तो स्प्रिंग का था, और L थीटा जो स्ट्रिंग नहीं हो रही है इसका हमने स्प्रिंग में ऐड किया है, इसलिए इसका डेफ्लेक्शन, ये स्प्रिंग है, इसका डेफ्लेक्शन 2L थीटा होगा। और स्प्रिंग फोर्स फाइंड करना है तो स्टिफनेस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे k, और कितना डिस्टेंस से लग रहा है ये, तो ये जो डिस्टेंस है वो ए एल है, और ये रेडियस, रेडियस क्या है, एल बाय फोर। ओके, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो टॉर्क मेथड से हम सबसे पहले, और दूसरी बात, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेफ्लेक्शन करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये स्प्रिंग का जो भी स्प्रिंग फोर्स है और जो भी मोमेंट होगा इस पॉइंट के अबाउट, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और ये स्प्रिंग का जो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट होगा इस पॉइंट से। ओके, तो टोटल इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी जो भी गेट एग्जाम 3 2020 इसमें पूछा गया है, इसमें 99% स्टूडेंट ने ये मिस्टेक की है, यहाँ पे एल थीटा ले लिया, लेकिन एल थीटा नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे इनइलास्टिक स्ट्रिंग न दूं तो ये एल थीटा होगा, लेकिन इनइलास्टिक स्ट्रिंग है हमारे पास तो हम नहीं लेंगे। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। तो ये हमारा 2L थीटा इनटू के, ये हमारा फोर्स हुआ। चलो अब दूसरी बात, दूसरी बात ये है कि अगर मैं टॉर्क मेथड से सॉल्व करूं ये एग्जांपल तो क्या होगा, तो आई थीटा डबल डॉट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, चलो ये स्प्रिंग फोर्स से कितना डिस्टेंस से है, एल बाय टू, टू के थीटा इंटू एल बाय टू, ये फोर्स से इंटू एल बाय टू, ये हमारा मोमेंट हो गया अबाउट पॉइंट के। और ये स्प्रिंग का फाइंड करना है अगर हमें, ये स्प्रिंग का, तो क्या होगा, तो इसका होगा 2L थीटा इंटू के इंटू ये जो डिस्टेंस टोटली L है और प्लस L बाय फोर होगा, तो मीन्स L प्लस L बाय फोर, ये हमारा डिस्टेंस है, ये फोर से टोटल मोमेंट हो गए इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा मेन फॉर्मूला बन। चलो अब आगे देखते हैं, तो आगे ये आई थीटा डबल डॉट होगा, ये टू टू कैंसल आउट हुआ तो क्या हुआ, के एल स्क्वायर थीटा बाय टू, चलो ये होगा 5L बाय फोर, टू टू कैंसल आउट हुआ तो 5 के एल स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस, अगर इसका आप सिंप्लीफाई करोगे तो 5 प्लस 1 6 के एल स्क्वायर मीन्स 3 के एल स्क्वायर थीटा होगा, और आई होगा डिनोमिनेटर में 3 के एल स्क्वायर बाय आई थीटा इज इक्वल टू 0, ऐसे हम लिख सकते। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, मुझे I फाइंड करना है, और I किस पॉइंट के अबाउट हम फाइंड करेंगे, तो I फाइंड करेंगे A पॉइंट के अबाउट। तो ये हमारा डिस्क है, तो डिस्क का जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको पता है कि mr स्क्वायर बाय 2 होगा, क्या होगा, mr स्क्वायर बाय 2। अगर मुझे I पॉइंट से फाइंड करना है तो mr स्क्वायर बाय 2 प्लस जी हमारी ये जो डिस्क है इसका सेंटर और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है L, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाय टू मीन्स आई सी जी प्लस डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, तो डिस्टेंस है L स्क्वायर, एम एल स्क्वायर होगा डिस्टेंस का स्क्वायर, मास पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैंने यूज किया। अब
रेडियस क्या है? तो रेडियस है एल बाय फोर, रेडियस क्या है एल बाय फोर, एल बाय फोर का स्क्वायर बाय टू प्लस एम एल स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो एम एल स्क्वायर बाय 32 प्लस एम एल स्क्वायर मीन्स 33 बाय 32 एम एल स्क्वायर। और अगर मैं 33 बाय 32 नियरली 1 लिखूं तो एम एल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम एल स्क्वायर। अब मुझे ओमेगा एन फाइंड करना है, तो ये हमारा है ओमेगा एन स्क्वायर। ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3KL² बाय आई। अगर मैं आई के बदले एम एल स्क्वायर पुट करूं तो एल स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो ओमेगा एन होगा हमारा अंडर रूट 3K बाय एम। क्या होगा? अंडर रूट 3K बाय एम। तो ये हमारा आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है वो गेट 2019 में पूछा गया है। ओके, अब मैं एनर्जी मेथड के बारे में आपको बताऊंगा, और इसके बाद जो भी एग्जांपल होंगे वो हम एनर्जी मेथड एज वेल एज टॉर्क मेथड दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। चलो तो एनर्जी मेथड देखते हैं आगे। ओके, तो आगे हम बात करते हैं एनर्जी मेथड की। तो मैकेनिकल वाइब्रेशन में एनर्जी मेथड इम्पोर्टेंट मेथड है, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एनर्जी मेथड से। बट इट इज ओनली वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस मीन्स जहां पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन जीरो है, वहां पे हम अप्लाई करेंगे। तो मैकेनिकल वाइब्रेशन में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइंड द नेचर फ्रीक्वेंसी यूजिंग एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो मैकेनिकल एनर्जी है, कोई भी है सब्सटेंस तो दो मैकेनिकल एनर्जी होगी, एक होगी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं लीनियर और रोटेशनल दोनों की बात करूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी लीनियर भी हो सकती है, अगर लीनियर है तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv², अगर रोटेशनल है तो 1/2 i ω². m इज अ मास ऑफ सब्सटेंस, v इज अ लीनियर वेलोसिटी, i इज अ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ये जो इंपॉर्टेंट बात है कि टॉर्क मेथड में हम जो आई लेते थे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो जिस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट फाइंड करना था उस पॉइंट के अबाउट फाइंड करते थे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन एनर्जी मेथड में जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम फाइंड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी है जिसको हम mgh बोलेंगे, और ड्यू टू स्प्रिंग, अगर मास स्प्रिंग सिस्टम है तो स्प्रिंग की होगी 1/2, अगर स्टिफनेस s है तो 1/2 sx². ओके, तो ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी हुई, दो काइनेटिक एनर्जी हुई। इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बोली कि अगर आपको मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे हम। ओके, चलो अब दूसरी बात, अगर कोई मास है और लिनियरली मूव हो रहा है तो इसकी लिनियर वेलोसिटी हम v लेके इसका काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 mv². अगर कोई डिस्क है और इस पॉइंट के अबाउट रोल हो रही है, स्लाइड नहीं हो रही है, रोल हो रही है, ओके, तो लिनियरली मूव नहीं हो रही है, जस्ट ओनली रोल हो रही है ये पॉइंट से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 i ω². लेकिन कोई बॉडी है वो इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोलिंग एक्शन कर रही है, मींस ओमेगा से वो एंगुलर वेलोसिटी रोल भी हो रही है और लिनियरली भी वी वेलोसिटी से मूव हो रही है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी 1/2 mv² प्लस 1/2 i ω². दूसरी बात कि अगर यहाँ पे प्योर रोलिंग एक्शन है तो क्या फ्रिक्शन हम कैलकुलेट करेंगे? नहीं, फ्रिक्शन कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि हमें यहाँ पे एनर्जी मेथड अप्लाई करना है। फ्रिक्शन कब कैलकुलेट करेंगे? जब डैम्पर आएगा तो फ्रिक्शन हम
कैलकुलेट करेंगे। वाइब्रेशन की लैंग्वेज में बोले तो अगर डैम्पर है तो फ्रिक्शन है, डैम्पर नहीं है तो फ्रिक्शन हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओके, दूसरी बात, ये जो एनर्जी है वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो। एनर्जी ऑब्वियसली कांस्टेंट होगी, फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो एंड हमारा जो भी रूल्स है क्या है, जो एनर्जी कांस्टेंट होगी तो जो एनर्जी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है। ओके, तो ये बात इम्पोर्टेंट थी। अब हम सबसे पहले जो हमारा मास स्प्रिंग सिस्टम है, इसके मास स्प्रिंग जो सिस्टम है इसकी हम यूजिंग एनर्जी मेथड नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो देखते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम और इसके बाद हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, गेट के सारे एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे और दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो मान लो कि ये हमारा मास स्प्रिंग सिस्टम है, स्टिफनेस एस है और ये हमारा मास है। अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से मान लो कि मैं एक्स जितना डिफ्लेक्शन देता हूं तो क्या होगा, तो सबसे पहले ये जो स्प्रिंग है इसमें 1/2 एस एक्स स्क्वायर जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी अपोजिट टू द डिफ्लेक्शन एंड दूसरी बात ये एक्स से हमें हमारे पास वेलोसिटी होगी मींस dx/dt करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी एंड ड्यू टू वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv2। यहाँ पे कोई रोटेशनल नहीं हो रहा है तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर हम नहीं लेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2 mv2, पोटेंशियल एनर्जी क्या है 1/2 sx2 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये हमारा ई एनर्जी ई है 1/2 mv2 प्लस 1/2 sx2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मैं डिफ्रेंशिएशन करूं तो dE/dt इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे क्योंकि ये एनर्जी कॉन्स्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/2 m 2v इंटू dV/dt होगा प्लस 1/2 s, ये होगा 2x dx/dt और कांस्टेंट का क्या होगा जीरो होगा। अब सभी को पता है कि v को मैं x डॉट लिख सकता हूं, अगर मुझे x डबल डॉट लिखना है तो उसको हम dV/dt बोल सकते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ 1/2 m 2 v को हम x डॉट लिखेंगे, dV/dt को x डबल डॉट लिखेंगे, 1/2 s × 2 dx/dt को हम x, ये हमारा 2x है, 2x इंटू ये dx/dt means x dot is equal to 0। चलो ये 2 cancel out हुआ, ये 2 cancel out हुआ, ये जो x dot है x dot common होगा और cancel out हो जाएगा, mx double dot यहाँ पे हुआ sx is equal to 0, ये हमारा main formula हुआ। चलो अब तो हमें x double dot is plus s/mx is equal to 0, तो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हुई mn इज इक्वल टू अंडर रूट s/m, ये हमारा आंसर है रेडियन पर सेकंड में। अगर आपको हर्ट्ज में फाइंड करना है तो 1/2 ω n मींस 1/2 अंडर रूट s/m होगा। तो ये सिंपल जो स्प्रिंग मास सिस्टम है हमारा, इसका जो भी सॉल्यूशन है वो मैंने एनर्जी मेथड से सॉल्व किया, एनर्जी मेथड से सॉल्व किया। ओके, अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट टाइम मैंने वो क्वेश्चन टॉर्क मेथड से सॉल्व किया था, आज वो क्वेश्चन हम एनर्जी मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए। तो ये हमारा सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम था। ओके, चलो अब आगे देखते हैं, तो
हमारा क्वेश्चन था, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था और सॉल्व भी किया था लास्ट टाइम, जो पिछले वीडियो है वीडियो 5, इसमें आई थिंक लास्ट क्वेश्चन थे। तो मान लो कि ये हमारा ये डिस्क है ऐसे, ये इसकी सेंटर है और रेडियस आर है और स्टिफनेस के है, ये हमारा पॉइंट ओके, जिसकी जिसका मास है कैपिटल एम, जिसका मास है कैपिटल एम ओके। तो अब मैं सोचो कि जब मैं इसको डेफ्लेक्ट करूंगा, मान लो कि मैं ओमेगा जितनी एंगुलर वेलोसिटी से डेफ्लेक्ट करता हूं, ओमेगा जितनी एंगुलर वेलोसिटी से डेफ्लेक्ट करता हूं, तो ये जो स्प्रिंग है, मान लो कि जो स्प्रिंग है वो एक्स जितनी डेफ्लेक्ट होती है, एक्स जितनी, ये हमारा एंगल थीटा है और ये रेडियस है आर ओके। मान लो कि ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो रेडियस क्या होगा, आर होगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, आर थीटा होगा। जब हम एंगुलर वेलोसिटी लेंगे तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा हम लिख सकते हैं और एक्स इज इक्वल टू आर थीटा, ये हमारा रिलेशन बिटवीन लिनियर एंड एंगुलर जो क्वांटिटी है वो रिलेशन हुआ, एक्स इज इक्वल टू आर थीटा, ये जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग का डेफ्लेक्शन हुआ, एक्स इज इक्वल टू आर थीटा एंड वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये लिनियर वेलोसिटी है ओके। अब तो सबसे पहले टोटल एनर्जी हम फाइंड करें, तो जब ये रोटेशनल होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल भी होगी और लिनियरली भी मूव हो रहा है, ये डिस्टेंस x है तो वेलोसिटी हम x डॉट लेंगे, ये जो v है तो हम इसको x डॉट भी लिख सकते हैं ओके। तो ये तो आप सभी को पता है कि x डॉट x डबल डॉट थीटा डॉट थीटा डबल डॉट ओके। ये थीटा डॉट क्या है, थीटा डॉट है डी थीटा बाय dt, जिसको हम ओमेगा भी बोल सकते हैं, और थीटा डबल डॉट क्या है, डी ओमेगा बाय dt ओके, जिसको हम अल्फा भी बोल सकते हैं। x डॉट क्या है, डी एक्स बाय dt, और x डबल डॉट क्या है, डी वी बाय dt। अगर वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, और dx बाय dt अगर डिस्टेंस का करेंगे तो वेलोसिटी मिलेंगे ओके। तो सबसे पहले टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा मेन फॉर्मूला है और ये एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने टॉर्क मेथड से भी सॉल्व किया था ओके। तो काइनेटिक एनर्जी, अब तो दो तरफ की काइनेटिक एनर्जी होगी, एक लिनियर होगी तो इसके बदले हम लिखेंगे 1/2 mv² प्लस 1/2 i ओमेगा² ये दोनों काइनेटिक एनर्जी हुई, और पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास 1/2 sx² इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब दूसरी बात, जब ऐसे कोई रोटेशनल वाले कोई भी क्वेश्चन है तो देख लेना कि आपका एनर्जी का इक्वेशन है जो जो टोटली फॉर्मूला है एनर्जी के समेशन आपने किया है वो टोटली फॉर्म अगर लिनियर और एंगुलर के कॉम्बिनेशन में है तो आपका आंसर गलत होगा। तो सबसे पहले आपको कोई एक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर आपका इक्वेशन एंगुलर फॉर्म में टोटली कन्वर्ट करो या टोटली लिनियर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो आप देखो ये वाला जो है ओमेगा, तो ओमेगा तो एंगुलर क्वांटिटी है, तो सबसे पहले मैं ये टोटली जो फॉर्म है इसको मैं लिनियर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, और इसके बाद मैं टोटली एग्जांपल एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी आपको बता देता हूँ। तो देखते हैं लिनियर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो रिलेशन है, जैसे ओमेगा इज इक्वल टू हम वी बाय आर लिख सकते हैं, तो एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/2 i ओमेगा² ओमेगा के बदले, और आई ये जो डिस्क है, मैंने बोला है कि एनर्जी मेथड में हमें जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना पड़ेगा, और अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो डिस्क है इसका आपको पता है क्या होगा, mr² / 2, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, v/r² 1/2 sx² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 1/2 mv², चलो ये r² कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1/4 mv² बचेंगे, और यहाँ पे होगा 1/2 sx² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चलो 1/4 एंड 1/2
तो 3/4 होगा, 1/2 प्लस 1/4, तो 2 + 1 3/4 होगा, तो 3/4 mv2। तो टोटल एनर्जी इज E इज इक्वल टू 3/4 mv2 प्लस 1/2 sx2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मुझे जो हमारी एनर्जी मेथड है, टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट होगी तो dE/dt जीरो होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी करें तो 2v और dv/dt जिसको हम x डबल डॉट बोलेंगे 1/2 x2 का होगा 2x dx/dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का जीरो होगा। ओके, ये 2 कट हो गया है, तो 3/2 m v को हम x डॉट बोलेंगे, dv/dt को x डबल डॉट बोलेंगे, ये 2 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे s x x डॉट इज इक्वल टू जीरो, चलो x डॉट कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेंगे 3/2 m x डबल डॉट प्लस एस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं x डबल डॉट रखू आगे तो ये 2s/3m हो जाएगा, तो ये 2s/3m हुआ, वो अंडर रूट ले लेंगे हमें तो मिलेगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। ये एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने आपको टॉर्क मेथड से फाइंड करके बताया था। चलो अब आगे, अगर मैं ये टोटली जो एग्जांपल है, अगर मैं इसको एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, सोचो। ये हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करके आगे मैंने ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये मैंने आपको लीनियर फॉर्म में बताया। अगर मुझे लीनियर फॉर्म के बदले एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आंसर सेम होगा। ओके, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। कोई एक आप रखेंगे माइंड में, मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं आंसर सेम होगा, आंसर में कोई गलत नहीं होगा। ओके, तो देखते हैं, अगर मुझे एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप ये जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है ओ और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की, दोनों को हमें एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कर देते हैं, चलो देखते हैं आगे। तो v इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, r ओमेगा, और x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, r थीटा लिखेंगे। तो लिख देते हैं e इज इक्वल टू 1/2 m, v इज इक्वल टू r ओमेगा होल स्क्वायर, 1/2 i के बदले हम लिखेंगे mr²/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और x के बदले हम लिखेंगे r थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चलो अब सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो सिंप्लीफाई करिए तो क्या मिलेंगे, ये हुआ 1/2 m r² कैपिटल r लेंगे क्योंकि रेडियस कैपिटल r है, r² ओमेगा स्क्वायर, चलो ये हुआ 1/2 m r² / 2 ओमेगा स्क्वायर, चलो ये हुआ 1/2 s r² थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा हुआ। अब देखो ये हुआ 1/2 एंड 1/4, तो फिर से 3/4 हुआ, 3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 एस आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारी टोटल एनर्जी हुई, कांस्टेंट एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलो अब मैं डिफरेंशिएशन करूं तो क्या होगा, dE/dt इज इक्वल टू जीरो होगा, देयरफॉर 3/4 एम आर स्क्वायर 2 ओमेगा डी ओमेगा बाय डीटी प्लस 1/2 एस आर स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा बाय डीटी कांस्टेंट का होगा जीरो। अब देखो आर स्क्वायर जीरो हो जाएंगे, चलो ये 2 कट जाएगा, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये 3/4 एम आर स्क्वायर 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, दोनों में से आर स्क्वायर निकाल देते हैं, ये जो आर स्क्वायर है दोनों में कॉमन है तो मैं इसको कॉमन निकाल के जीरो कर देता हूं, 3/4 m, चलो ये 2 कैंसिल आउट हुआ, ये 4 के साथ, ये ओमेगा को हम थीटा डॉट लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाय डीटी को थीटा डबल डॉट लिखेंगे, चलो ये 2 कैंसिल आउट हुआ, ये हमारा s हुआ, थीटा डी थीटा बाय डीटी को हम थीटा डॉट लिखेंगे, फिर से थीटा डॉट कॉमन होगा तो यहाँ पे होगा 3/2 m थीटा डबल डॉट s थीटा इज इक्वल टू जीरो,
अगर मैं थीटा डबल डॉट रखूं आगे तो 2s by 3m होगा, थीटा इज इक्वल टू 0, तो फिर से हमें ओमेगा एन मिला 2s by 3m, ये हुआ हमारा रेडियन पर सेकंड। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर ये जो इक्वेशन है इसको टोटली एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो या टोटली इसको लीनियर फॉर्म में रखो, ओके तो ये बात जो थी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात थी। ओके चलो अब आगे देखते हैं, गेट के जो भी क्वेश्चन पूछे वो वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो गेट 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, तो ये जो रोड है जिसका मास है m और इस रोड को ए पॉइंट से एल बाय थ्री और बी पॉइंट से टू एल बाय थ्री डिस्टेंस से हिंज किया है, ये हमारा ओ पॉइंट। ये जो स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस के है और ये जो स्प्रिंग है इसकी स्टिफनेस भी के है, तो फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी। ऑप्शन है अंडर रूट के बाय टू एम, अंडर रूट के बाय एम, अंडर रूट टू के बाय एम एंड अंडर रूट फाइव के बाय एम। ये क्वेश्चन हम दोनों मेथड से सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी मेथड से सॉल्व करते हैं, तो हम एनर्जी मेथड से सॉल्व करेंगे और इसके बाद मैं आपको टॉर्क मेथड से सॉल्व करके बताता हूं। सबसे पहले हम एनर्जी मेथड देखते हैं। तो एनर्जी मेथड में मैंने बताया कि आई जो होगा वो हमें जिस पॉइंट पे फाइंड करना है उस पॉइंट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो पॉइंट से हमें फाइंड करना पड़ेगा आई। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो मान लो कि हमारा रोड है प्रॉपरली, ये L by 2 डिस्टेंस होगा, रोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होगा। मुझे ये जो L by 3 डिस्टेंस है ये पॉइंट पे फाइंड करना है, ये हमारा L by 2 डिस्टेंस है और ये L by 3 है। तो अगर मुझे I फाइंड करना है अबाउट पॉइंट O, ये जो हिंज पॉइंट है, तो फॉर्मूला क्या होगा, आई सी जी प्लस एम डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस क्या है, तो मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो हिंज पॉइंट है इसके बीच में, दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, एल बाय टू में से मैं एल बाय थ्रू एल बाय थ्री सब्सट्रैक्ट करूं तो एल बाय सिक्स होगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रोड आप सभी को पता है एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व है और ये होगा एम इन टू एल बाय सिक्स होल स्क्वायर। तो क्या हुआ, एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व प्लस एम एल स्क्वायर बाय थर्टी सिक्स फॉर फाइव थ्री फॉर एम एल स्क्वायर बाय 36 मीन्स एम एल स्क्वायर बाय 9 होगा। तो सबसे पहले आपको आई फाइंड कर देना है, आई होगा हमारा अबाउट ये हिंज पॉइंट है एम एल स्क्वायर बाय 9 होगा। आप टॉर्क मेथड कर रहे हो या एनर्जी मेथड कर रहे हो, ये आई ओ पॉइंट के अबाउट हमारा आई होगा एम एल स्क्वायर बाय 9। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल में आपको आई फाइंड कर देना, क्योंकि 75% प्रॉब्लम अगर आप आई फाइंड कर देंगे तो आपका 75% प्रॉब्लम वही पूरा हो जाएंगे। चलो अब आगे देखते हैं, ये हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फाइंड किया। ओके तो ये जो हमारे पास रोड है, अगर मैं डेफ्लेक्शन करूं इसका, तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मान लो कि मैं ये जो रोड है ये हमारा ओ पॉइंट है, अगर मैं थीटा से डेफ्लेक्ट करता हूं, ये हुआ हमारा थीटा, ये थीटा होगा। मान लो कि ऐसे मैं डेफ्लेक्ट करता हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, तो स्प्रिंग से जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिलेगी। मान लो कि इतना डेफ्लेक्शन हुआ x1 और ये डेफ्लेक्शन हुआ x2, ये डिस्टेंस आपको पता है l by 2 है और ये 2l by 3 है। तो अगर आपको ये जो स्प्रिंग है स्प्रिंग 1, इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो 1 by 2 k x1 square होगा और इसका होगा 1 by 2 k x2 square। अगर मुझे x1 चाहिए तो x1 इज इक्वल टू क्या होगा, l बाय टू इंटू थीटा होगा, इतना डिस्टेंस।
और एक्स टू इज इक्वल टू क्या होगा 2L by 3 into थीटा। ये हमारा स्प्रिंग 1 का एक्सटेंशन हुआ L by 2 थीटा, ये हमारा स्प्रिंग 2 का एक्सटेंशन हुआ 2L by 3 थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी में जहां x1 है वहां हम L by 2 थीटा पुट कर देंगे, और जहां पे x2 है वहां पे हम 2L by 3 into थीटा पुट कर देंगे। तो देखो हमारी फाइनल जो भी फॉर्मूला है वो हम ऐसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ओके कोई लिनियरली मोशन नहीं हो रहा है तो 1/2 mv² हम नहीं लिखेंगे। ओके चलो अब ये फर्स्ट स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी और ये सेकंड स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हम एनर्जी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं अभी। चलो तो x1 के बदले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे x1 के बदले, x1 के बदले हम लिखेंगे L by 2 थीटा होल स्क्वायर, और x2 के बदले क्या लिखेंगे 2L by 3 थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलो अब आगे देखते हैं, तो सबसे पहले इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर 1/2 K L स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 4, ये 2 का स्क्वायर होगा 4, यहाँ पे होगा 1/2 K 4 L स्क्वायर बाय 9 थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा होगा। सॉरी ये L बाय 3 है, मैंने मिस्टेक की है, ये L बाय 3 है तो ये L बाय 3 होगा, तो ये L स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 9 होगा, मैंने L बाय 2 लिया था, L बाय 3 है। ओके तो ये डिनोमिनेटर में 18 हो गया, ये डिनोमिनेटर में 18 हो गया, एक L स्क्वायर थीटा स्क्वायर, एक K 4 L स्क्वायर थीटा मींस 5/18 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे होगा 5 K L स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 18 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारी एनर्जी हुई, टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ओके चलो अब डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dE by dt इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 I 2 ओमेगा d ओमेगा by dt 5 K L स्क्वायर बाय 18 2 थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट का 0 होगा। चलो तो ओमेगा को हम थीटा डॉट लिखेंगे, डी ओमेगा बाय डी टी को थीटा डबल डॉट लिखेंगे, 5 K L स्क्वायर बाय 18 इंटू 2 थीटा, ये हमारा डी थीटा बाय डी टी जिसको हम थीटा डॉट लिखेंगे 0, थीटा डॉट कॉमन हो जाएगा, और ये जो आई है इसके बदले हम एम एल स्क्वायर बाय 9 लास्ट में पुट करते हैं, तो थीटा डॉट कॉमन निकालते हैं, और ये जो 2 है थीटा डबल डॉट, चलो थीटा डॉट कॉमन निकालते हैं, और यहाँ पे 5 K L स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 बाय I इंटू थीटा इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख देते हैं। ओके चलो अब आगे, तो ये जो आई है इसके बदले हम पुट करेंगे एम एल स्क्वायर बाय 9, तो आई इज इक्वल टू एक मिनट एक्स वन तो एल स्क्वायर बाय ओके 5 K L स्क्वायर थीटा स्क्वायर 18 ओके चलो डिफरेंशिएशन किया 1/2 I ओके 2 ओमेगा d ओमेगा बाय dt 2 थीटा डी थीटा बाय डी टी थीटा डॉट तो ये 2 है ये 2 ओके अगर आप इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर देते बाद में कैलकुलेट कर देंगे तो ये 2 कैंसल आउट कर देते हैं चलो और ये 2 और 9 के साथ हम कैंसल आउट कर देते हैं। ओके चलो अब तो अब ये हुआ हमारा आई ये थीटा डॉट ये थीटा डबल डॉट ये 5 K L स्क्वायर बाय 9 थीटा थीटा डॉट इज इक्वल टू 0 थीटा डॉट कॉमन ले लेंगे थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू क्या होगा 5 K L स्क्वायर बाय 9 I ऐसे लिखेंगे 9 I ये हमारा हुआ थीटा। चलो तो ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट 5 K L स्क्वायर बाय 9 I लिख सकते हैं, अगर I के बदले में हमारा जो भी फॉर्मूला है ml स्क्वायर बाय 9
तो एल स्क्वायर और 9 कैंसल आउट होगा, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 5k/m। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन है वो गेप 2014 में पूछा गया है। चलो अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं टॉर्क मेथड से। तो टॉर्क मेथड में आपको सबसे पहले इनर्शिया टॉर्क और जिस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है उस पॉइंट के अबाउट, आई तो मैंने फाइंड कर दिया है ml square by 9, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो सबसे पहले मान लो कि मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेफ्लेक्ट करता हूं या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेफ्लेक्ट करता हूं। मैंने अभी कैलकुलेट किया, ये हमारा ओ पॉइंट है। मान लो कि मैं इस डायरेक्शन को थीटा देता हूं, तो इस डायरेक्शन में आई थीटा डबल डॉट होगा, ये हमारा इनर्शिया टॉर्क है। ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग के बदले ये जो एक्सटेंशन है वो क्या होगा, 2l/3 into थीटा होगा। ओके, ये हमारा स्प्रिंग का फोर्स हुआ। डिस्टेंस क्या है, 2l/3। तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो ये हमारा फोर्स हुआ इंटू ये हमारा डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये किस डायरेक्शन में होगा, स्प्रिंग फोर्स ए डायरेक्शन में, और ये वाली स्प्रिंग भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो अगर इसका कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, ये एल बाय थ्री डिस्टेंस है, तो एल बाय थ्री इंटू थीटा, और इसका डिस्टेंस ओ से क्या है, एल बाय थ्री है। तो देखते हैं सबसे पहले ये फोर्स है, ये दोनों स्प्रिंग फोर्स है, मोमेंट नहीं है, मोमेंट अभी बाकी है। तो कैलकुलेट करते हैं आई थीटा डबल डॉट प्लस टॉर्क मेथड से इजी पड़ेगा एग्जांपल। चलो तो ये मैंने टॉर्क इनर्शिया टॉर्क देखा, इसके बाद ये स्प्रिंग है, इसका फोर्स कैलकुलेट करूं तो 2l/3 into थीटा into 2l/3, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट डिस्टेंस है इस स्प्रिंग का 2l/3, तो ये फोर्स इंटू डिस्टेंस प्लस सिमिलरली ये स्प्रिंग का l/3 into थीटा into l/3 = 0। अब आगे कैलकुलेट करूं तो मैंने आई कैलकुलेट किया है, अगर आपने नहीं किया तो कर देना है अबाउट दिस पॉइंट। चलो तो ये हुआ 4l^2/9θ, ये हुआ l^2/9θ = 0। तो क्या होगा, डायरेक्टली 5l^2/9θ होगा = 0। थीटा डबल डॉट 5l^2/9i = 0। ओके, तो ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट 5l^2/9i, आई के बदले में पुट करूंगा ml^2/9 9 कैंसल होगा, बीच में एक मैंने जो मैंने फोर्स दिया है इसमें जस्ट मैंने एक्सटेंशन कैलकुलेट किया है, लेकिन यहाँ पे स्टीपनेस कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। तो दोनों में स्टिफनेस होगा, इसमें भी स्टिफनेस होगी के और इसमें भी स्टिफनेस होगी, तो के और के होगा स्टिफनेस होगी, तो के हम स्टिफनेस है तो स्टिफनेस के लेंगे, तो यहाँ पे स्टिफनेस के होगी। 9 कैंसिल आउट होगा, l^2 कैंसिल आउट होगा, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 5k/m। फिर से ये मैंने जस्ट एक्सटेंशन लिया था, फोर्स नहीं लिया था, स्टिफनेस से मल्टीप्लिकेशन करना बाकी रह गया था, तो स्टिफनेस से मल्टीप्लिकेशन के ये फोर्स हुआ। अगर 2l/3 डिस्टेंस से मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो ये मोमेंट हुई, और ये पहली वाली स्प्रिंग है, दूसरी वाली स्प्रिंग, और ऐसे हम टॉर्क मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, ये जो एग्जांपल है वो गेट 2012 में पूछा गया है। यहाँ पे एक रोड है जिसका लेंथ टोटल लेंथ 12 है, जिसके एम मास दिए है, जिसके पे ये जो रोड है जिस वो रोड का मास नहीं है, रोड मासलेस हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम के स्टिफनेस वाली स्प्रिंग से यहाँ पे अटैच किया है रोड। अब इसको हम एनर्जी मेथड से सॉल्व करेंगे। दूसरा सिमिलरली एग्जांपल है ऐसा, वो हम टॉर्क मेथड से सॉल्व करेंगे, वो गेट में पूछा गया है दूसरा एग्जांपल, लेकिन वो हम टॉर्क मेथड से सॉल्व करेंगे और ये हम एनर्जी मेथड से सॉल्व करेंगे, इसलिए दो एग्जांपल दो अलग अलग मेथड से आपको हो जाएंगे। सिमिलरली है, जस्ट ये जो एल है इसके बदले ए दिया है और स्टिफनेस चेंज होगा कुछ
कोई चेंज होगा लेकिन सिमिलरली पैटर्न है। तो सबसे पहले ये एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। तो मान लो कि ये जो हमारा ये पॉइंट है हिंज पॉइंट, अगर ये पॉइंट से मैं ये जो हमारा पॉइंट है अगर मैं थीटा डेफ्लेक्ट करता हूँ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये जो स्प्रिंग है इसका डेफ्लेक्शन होगा ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस इंटू थीटा, तो ये होगा 2L इंटू थीटा। ये डेफ्लेक्शन किसका हुआ, स्प्रिंग का। मान लो कि इसको मैं x बोल देता हूँ, x इज इक्वल टू 2L इंटू थीटा, मैंने इस डायरेक्शन में डेफ्लेक्ट किया। दूसरी बात, अगर मैं ये जो मास है इसकी मैं डेफ्लेक्ट करता हूँ तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 1/2 mv2। अगर v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखूं लेकिन ये डिस्टेंस l है, इतना डिस्टेंस क्या है मास से ए पॉइंट का डिस्टेंस l है, तो हम l ओमेगा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, l ओमेगा। तो वेलोसिटी क्या होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी l ओमेगा होल स्क्वायर होगी, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 1/2 k x स्क्वायर, x मीन्स 2l इंटू थीटा। तो दोनों एनर्जी मिल जाएगी और इसके बाद एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिंक के एनर्जी का डिफ्रेंशिएशन करना है और फाइनल आंसर लाना है। तो देख लेते हैं आगे, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके चलो, अब काइनेटिक एनर्जी में लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv2 और पोटेंशियल एनर्जी क्या है 1/2 k x2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। x के बदले जो डेफ्लेक्शन है 2l इंटू थीटा वो हम लिखेंगे, तो 1/2 mv2 प्लस 1/2 k 2l थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और v के बदले हम l ओमेगा लिख देते हैं, l ओमेगा ओके चलो इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलो सिंपलीफाई करें अगर तो 1/2 m l² ओमेगा स्क्वायर होगा और ये होगा 1/2 k 4 l² θ² इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलो अब अगर मैं dE/dt इज इक्वल टू 0 लिखूं तो क्या होगा, तो इज इक्वल टू 1/2 m l² 2 ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डीटी, ऐसा होगा पावर रूल्स। और इसके बाद 1/2 k 4 l² 2 थीटा इंटू डी थीटा बाय डीटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का होगा 0। चलो ये 2 कैंसल आउट हुआ, ओमेगा को हम थीटा डॉट लिखेंगे और थीटा डबल डॉट किसको लिखेंगे, डी ओमेगा बाय डीटी। तो 1/2 कैंसल हो गया 2 m l² ये थीटा डॉट ये थीटा डबल डॉट, ये हुआ k 4 2 के 2 से कट जाएगा तो 2 लिखेंगे हम l square। चलो ये 2 कैंसल आउट तो 4 लिख देते हैं, 4 k l² थीटा और डी थीटा बाय डी टी जिसको थीटा डॉट बोलेंगे, तो फिर से l² θ·l² θ̇ कॉमन हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो गए, m l² + 4 k θ इज इक्वल टू 0, m l² θ̇ l² कॉमन हो गया तो m θ̇, देयरफॉर θ̇ + 4 k/m θ इज इक्वल टू 0। ओके तो ओमेगा n का आंसर क्या हुआ, √4 k/m। तो ये हमारा ये जो सिस्टम है इसका फाइनली जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी रेडियन पर सेकंड वो होगी √4 k/m। चलो मैं अभी बताया कि ऐसा सिमिलरली एग्जांपल है वो हम टॉर्क मेथड से सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन गेट 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि ये हमारा मास है और ये जो मास है वो O पॉइंट से ये जो A डिस्टेंस है और ये 2A डिस्टेंस से अटैच किया है और बीच में ये जो K स्टिफनेस वाली स्प्रिंग अटैच की है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल सिस्टम में तो ये जो मास होगा इसका
जो वेट होगा एम जी और इसका इनिशियल डिफ्लेक्शन के इंटू एक्स वो हम नेगलेक्ट कर देंगे, वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब क्या करता हूँ, तो मान लो कि ये जो हमारी सिस्टम है, ये जो सिस्टम है इसको मैं थीटा से डिफ्लेक्ट करता हूँ, ये हुआ एंगल थीटा। ओके, तो अगर मैं थीटा से डिफ्लेक्ट करता हूँ तो ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये तो ये होगा ए थीटा। अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है तो के इंटू ए थीटा मीन्स स्टिफनेस इंटू डिफ्लेक्शन, ये हुआ हमारा स्प्रिंग फोर्स। किस डायरेक्शन में होगा, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता हूँ तो हमारा स्प्रिंग फोर्स होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये मैं थीटा से डिफ्लेक्ट करता हूँ तो हमारा इनर्शिया टॉर्क होगा आई थीटा डबल डॉट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप ये एम से जो भी मोमेंट होगी वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो एम है और ये जो स्प्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, इसलिए इनिशियली जो भी डिफ्लेक्शन होगा दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट करेंगे, आगे मैंने बात की। ओके, अब टोटली मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये स्प्रिंग ए डिस्टेंस से है तो स्प्रिंग के लिए जो मोमेंट होगा वो कितना होगा, के इंटू ए थीटा, ए फोर्स हुआ और ए डिस्टेंस ए, तो के इंटू ए थीटा इंटू ए उस स्प्रिंग फोर्स की मोमेंट होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ये भी आई थीटा डबल डॉट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो हमारा फॉर्मूला हुआ आई थीटा डबल डॉट प्लस के इंटू ए थीटा, ये फोर्स हुआ और ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट मुझे फाइंड करना है, इससे स्प्रिंग है इसका डिस्टेंस ए इज इक्वल टू हम लेंगे जीरो। अब इम्पोर्टेंट बात कि आई कैसे फाइंड करेंगे, तो इस पॉइंट के अबाउट ये हमारा मास मोमेंट, जो हमारा मास है तो मैंने बताया था आपको, तो अगर ये मास है और ये पॉइंट है तो हम ले लेते हैं एम के स्क्वायर, के मीन्स ये जो भी डिस्टेंस है वो, मान लो कि ये एल डिस्टेंस है तो इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम एल स्क्वायर इस पॉइंट से। तो सिमिलरली इस पॉइंट के मुझे इसका फाइंड करना है, तो आई इज इक्वल टू होगा आई एम इंटू टू ए स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस टू ए। ओके, तो आई हम लिखेंगे एम इंटू टू ए स्क्वायर, तो चलो आगे लिखते हैं एम इंटू टू ए होल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस के एस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। चलो इसका क्या होगा, एम इंटू फोर ए स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस के एस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर एस स्क्वायर कैंसल आउट होगा जीरो बन जाएंगे, तो थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू के बाय फोर एम थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो ओमेगा एन इज इक्वल टू मिला हमें अंडर रूट के बाय फोर एम, हमें फाइंड करना है हर्ट्ज में तो वन बाय टू पाई अंडर रूट के बाय फोर एम, ये हमारा सही आंसर होगा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, ये जो क्वेश्चन है वो गेट 2015 में पूछा गया है। तो देखो सिमिलरली इसको अगर मुझे एनर्जी मेथड से फाइंड करना है तो भी मैं फाइंड कर सकता हूँ इजीली, ये मैंने टॉर्क मेथड से सॉल्व किया, तो मैंने बताया था कि हम एग्जांपल एनर्जी और टॉर्क मेथड कंबाइन मेथड से करेंगे। ओके, चलो आगे देखते हैं एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारी कुल्ली है जिसके रेडियस कैपिटल आर है जो है 50 mm 50 mm, कुल्ली है जिसका मास कैपिटल एम है 10 kg और ए पॉइंट पे स्मॉल एम अटैच किया है जिसका मास है 1 kg, ये जो स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस है 1000 Nm/m और ये जो स्प्रिंग है वो एंड पे अटैच नहीं किया है लेकिन सेंटर से, हमारा जो सेंटर है ओ पॉइंट, इससे आर जितना डिस्टेंस आर इज इक्वल टू 0.035 m से अटैच किया है, यहाँ पे अटैच नहीं किया है, वो बात इम्पोर्टेंट। अब तो सबसे पहले हम इसको एनर्जी मेथड से सॉल्व करते हैं, तो अगर इसको मैं डिफ्लेक्ट करूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे तो क्या होगा, तो सोचो कि ये हमारा, मान लो कि ये हमारा ए पॉइंट है और ये अटैच किया है वो हमारा ए डैश पॉइंट है, तो अगर मैं ये जो मास है, ये जो मास को मैं मान लो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैं एक्स वन डिफ्लेक्ट करता हूँ, एक्स वन डिफ्लेक्ट करता हूँ, तो ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे हो जाएगा और ये होगा एंगल थीटा, और ये जो एक्स वन है वो हम लिख सकते हैं कैपिटल आर इंटू थीटा, और मान लो कि ये जो ए डैश है इसको हम ए स्मॉल आर है हमारा, तो जो ये जो ए डैश है उसको हम मान लो कि एक्स टू बोलते हैं, जो स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन है मान लो इसको मैं एक्स टू बोलूं, तो एक्स टू इज इक्वल टू होगा स्मॉल आर इंटू थीटा। ओके,
अब दूसरी बात, तो काइनेटिक एनर्जी हम दो कैलकुलेट करेंगे, एक तो ये जो हमारी कुल्ले है जो रोटेशनल होता है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये जो मास को मैंने डिफ्लेक्ट किया है x1 से तो इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता हूं तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एंटी क्लॉकवाइज में जाएगी, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है दोनों वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी। तो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये जो ए ए है ये डिस्टेंस कितना होगा, एक्स वन आर थीटा होगा, और ए डैश ए डैश जो स्प्रिंग वाला है डिफ्लेक्शन वो होगा स्मॉल आर इंटू थीटा। ओके चलो अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं एनर्जी कैलकुलेट करता हूं, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे हम लिखते हैं। मान लो कि ये जो मास है इससे वेलोसिटी है, इसको हम x1 डॉट बोलेंगे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1 बाय 2 एम एक्स वन डॉट स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके दूसरी काइनेटिक एनर्जी होगी 1 बाय 2 आई ओमेगा स्क्वायर, आई मीन्स ये जो पुल्ले है, ये जो हमारा ओ पॉइंट से इससे मास मोमेंट ऑफ इनर्ट से, प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी 1 बाय 2 के एक्स स्क्वायर, एक्स टू स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि मैंने एक्स टू डिफ्लेक्शन किया है, इस तरह इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। चलो अब आगे देखते हैं, तो 1 बाय 2 एम एक्स वन डॉट, एक्स वन इज इक्वल टू आर थीटा है तो एक्स वन डॉट इज इक्वल टू हम आर थीटा डॉट लिख सकते हैं, तो ये हुआ आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ओके 1 बाय 2 ये जो पुल्ले है जिसका क्या होगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमआर स्क्वायर बाय 2 होगा, और ओमेगा इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर ओमेगा है तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर हम लिख सकते हैं, लेकिन ओमेगा स्क्वायर रखिए क्योंकि मैंने टोटली इसको एंगुलर फॉर्म में रखा है इसलिए। चलो इसके बाद x2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर थीटा, स्मॉल आर है कैपिटल आर नहीं है ये आपको। ओके चलो अब ये स्मॉल एम है ये वाला मास, कैपिटल है मैं पुल्ली वाला मास, और ये जो आर है स्मॉल आर ये डिस्टेंस स्प्रिंग का जो डिस्टेंस है वो, और कैपिटल आर है वो पुल्ली का रेडियस। चलो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो डी बाय डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय 2 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर मीन्स 2 थीटा डॉट थीटा डबल डॉट ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाय 4 एम आर स्क्वायर ये होगा 2 ओमेगा d ओमेगा बाय dt जिसको थीटा डबल डॉट हम लिख सकते हैं, आगे होगा 1 बाय 2 k स्मॉल r स्क्वायर थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, थीटा स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे 2 थीटा थीटा डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो d ओमेगा बाय dt है जिसको हम थीटा डबल डॉट लिख लेंगे और ओमेगा है इसको हम थीटा डॉट लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले ये जो 1 बाय 4 mr स्क्वायर है कैपिटल mr स्क्वायर 2 थीटा डॉट, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इसमें से 2 कैंसिल आउट हुआ तो ये 2 बचेंगे, ये 2 कैंसिल आउट हुआ तो थीटा डॉट कॉमन होगा, ये थीटा डॉट है थीटा डॉट और थीटा डॉट, इसके अलावा जो भी है वो हम लिख देंगे, तो यहाँ पे होगा एम आर स्क्वायर और इसमें से थीटा डबल डॉट कॉमन होता है तो एम आर स्क्वायर बाय 2 इसको मैं थीटा डबल डॉट लिख देता हूँ, और यहाँ पे होगा के आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको डिवाइडेशन करूं तो थीटा डबल डॉट इज इक्वल प्लस के आर स्क्वायर बाय स्मॉल एम आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एम आर स्क्वायर बाय 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो हमारा ओमेगा एन का आंसर क्या होगा, ओमेगा एन अंडर रूट के इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपन स्मॉल आर एम आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एम आर स्क्वायर बाय 2, ये हमारा आंसर होगा ओमेगा एन। ओके चलो अब तो जो भी वैल्यू है वो आप पुट करेंगे, k इज इक्वल टू 1000, स्मॉल r इज इक्वल टू 0.035 होल स्क्वायर, स्मॉल m 1, कैपिटल r है 0.050 का स्क्वायर, कैपिटल m है 10, ये 0.050 का स्क्वायर बाय 2। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मुझे फाइंड करना है fn तो 1 बाय 2 पाई, इसका जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे लिख के ओमेगा एन फाइंड करके 2 पाई से डिवाइड करेंगे आप, तो इसका आंसर होगा 1.438 हर्ट्ज, ये हमारा फाइनल आंसर है ये एग्जांपल का। ओके
तो ऐसे हम कई सारे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। अब जो भी एग्जांपल बाकी है, अगले दो वीडियोस अभी हमारे एग्जांपल के लिए होगा और इसके बाद आगे हम वाइब्रेशन में देखेंगे। ओके तो ऐसे हम कई सारे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। आपको होमवर्क में ये जो एग्जांपल है वो हम टॉर्क मेथड से सॉल्व करेंगे। जितने भी एग्जांपल मैंने टॉर्क मेथड से सॉल्व किया है वो आप एनर्जी मेथड से सॉल्व कीजिए। अगर जो मैंने एग्जांपल एनर्जी मेथड से सॉल्व किया वो आप टॉर्क मेथड से कीजिए। अगला लेक्चर हमारा होगा एनर्जी मेथड, टॉर्क मेथड, कंबाइन एग्जांपल ऑफ गेट। इसके आगे जो भी मैंने चलाया स्प्रिंग इन सीरीज, स्प्रिंग इन पैरेलल, इसको आप कट करोगे तो इसके वन वन मार्क्स के एग्जांपल बनते हैं। ये सारे एग्जांपल है वो हम टू टू मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें जस्ट लिटल लिटल चेंजेस होगा, ज़्यादा कोई चेंजेस होगा नहीं। तो ऐसे सारे एग्जांपल गेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे हम इसके रिलेटेड मैकेनिकल वाइब्रेशन के रिलेटेड अभी अगला लेक्चर होगा हमारा। ये हमारा 6th लेक्चर था, अगला लेक्चर 7th लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 7, वो एनर्जी मेथड और टॉर्क मेथड से ही होगा और सारे एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे और इससे आगे हम बाद में वाइब्रेशन कंटिन्यू रखेंगे। तो आज इतना रखते हैं। टेक केयर टू एवरीवन।